हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर, ले दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय तो है, लेकिन उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और मेरी गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी हो तो स्वयं आपको बुरी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म की जरूरत ही नहीं होती है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय
एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य से। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा महान तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो साथ नहीं निभाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है, जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है। स्मरण रखिएगा, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक इत्यादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन 3 लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरती तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की और तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्या चारी अर्थात कपटी भी कहा जाता है, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहां सबसे मोटा सच है, और जो सत्य को समझता है सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई तव्य नहीं है, लेकिन ऐसा कोई लाखों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। राजसिक गुण वाले व्यक्ति बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वे समझते हैं कि सब कुछ वे स्वयं कर रहे हैं। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे,
और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल सीधे और नरम दिल के रहोगे उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा डरा दिए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे दिया करते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना औषधियों पर रखते हैं। बेशक खराब होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। महान वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित रहता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से, दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उनकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। कोई भरोसा खत्म करे तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमको सिखाते हैं कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है, इन्हें संभाल कर रखिए। किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी भूलना मत, एक वो जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। कामयाबी और नाकामयाब दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में उल्टा बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चारों वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श दे देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुखों का कारण है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख तुम्हें पहले अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती है
तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह मैं देखता हूं। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने दूंगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं भूलता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूं। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूं। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब भी तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुम गिर भी सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करो ही नहीं। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे हर कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और दुख सुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहां कुछ भी स्थायी नहीं होता। मैं सभी के घरों में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूं। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूं तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को बनाती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को बिखेर देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए बोलना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे सच्चे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराए लोगों में नहीं थी, यह एक परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे सजा जरूर देनी चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहता है और आप उससे भी ज्यादा पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखे। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग कहते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्य की रक्षा भगवान भी नहीं करते। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं त्यागता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता, और वैसा इंसान
जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो, यहां कोई अपना नहीं है। क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता है। इसलिए संदेह करने से बचे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सदैव वश में रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको कटु वचन कहता है तो भी उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। अतिथि और लाचार को सदैव आश्रय दें। दूसरों की न निंदा करें और न सुने। मार खाने पर भी अपने आप को शांत रखें। शास्त्रों को सदैव नियम पूर्वक सुने। दिन के समय न सोना, क्रोध न करना, स्वयं आदर की इच्छा न करके भी दूसरों का सम्मान करना, भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए करना, यह सभी चीज मनुष्य को महान बनाती है। सत्य ही सनातन धर्म है, यह सभी धर्मों से उत्तम है। सत्य से ही तप और योग उत्पन्न होते हैं। सत्य ही ब्रह्मा है। सब कुछ सत्य के अंतर्गत आता है। सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग जाता है। झूठ हमें अंधकार की तरफ ले जाता है। यहां पर प्रकाश का अर्थ स्वर्ग तो नरक को अंधकार कहा गया है। सभी प्राणियों को एक समान समझना, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, शील और लज्जा के गुणों को अपनाना, दुष्कर्मों से दूर रहना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, इंद्रियों को वश में रखना, मन की पवित्रता को बनाए रखना, सत्य बोलना, क्षमा करना, साहस और विद्या आदि, ये 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद भी सत्य का ही उपदेश देते हैं। सत्य बोलना सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर होता है। कभी भी कटु वचन न बोलें। सदैव ऐसे वचन बोलो जो दूसरे को अच्छे लगे। बुरा बोलना, निंदा करना, भला बुरा कहना, यह सब त्याग देना चाहिए। दूसरों का सम्मान न करना, अहंकार दिखाना, ये सभी अवगुण होते हैं। जो सुख इस लोक में कामनाओं की पूर्ति होने पर मिलता है और परलोक में जो सुख प्राप्त होता है वह उस सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। जो सुख हमें कामनाओं से मुक्त होने पर प्राप्त होता है। अपने आप को वश में करने के लिए व्यक्ति को पहले लोभ और मोह से दूर होना चाहिए। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृतत्व प्राप्त होता है। इसीलिए मृत्यु और अमृतत्व दोनों ही मनुष्य के अधीन है। पूरे संसार को वृद्धावस्था ने घेर रखा है। दिन प्रतिदिन उस पर मृत्यु का प्रहार होता जा रहा है। दिन आता है, रात बीत जाती है, जागो तुरंत उठो, समय को व्यर्थ न गवानो, अपने कल्याण के लिए कुछ कार्य करो। क्योंकि तुम्हारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं तब तक मृत्यु तुम्हें अपने साथ ले जाती है। निर्धनता को स्वयं ही स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा से स्वीकार करने से सुख मिलता है। यह सुख मनुष्य का कल्याण करता है, क्योंकि इस राह पर चलने से न तो कोई क्लेश रहता है, न ही कोई आपका शत्रु बनता है। यह मार्ग भले ही कठिन लगता है, लेकिन जिस मनुष्य को पवित्र जीवन जीना हो, ऐसे भले मानुष के लिए यह मार्ग उपयुक्त और सुगम है। क्योंकि ऐसे मनुष्यों के लिए संपत्ति का कोई मोह नहीं रहता। उनके लिए इससे ज्यादा कोई दूसरी संपत्ति या सुख नहीं है। एक तुला के पल्ले में ऐसी निर्धनता को और दूसरे पल्ले में राज्य को रखने पर अकिंचनता का पल्ला भारी रहता है। धनवान पुरुष को तो सदैव ही मृत्यु का भय रहता है। कामनाओं को पूरा करने से श्रेष्ठ है कि उन्हें त्याग दिया जाए, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। त्याग से मनुष्य को परम सुख की अनुभूति होती है। त्याग किए बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और कामनाओं को त्याग कर अपने चित्त को शांत करो, ऐसा मनुष्य सदैव सुखी रहता है। जो व्यर्थ की चिंता न करने वाला हो, जो सत्य का पालन करता है, जिसे सांसारिक मोह न हो, दो तरह के मनुष्य को हर सुख प्राप्त होता है। एक तो वे जो मूर्ख होते हैं और दूसरे वे जिन्हें ज्ञान का परम प्रकाश प्राप्त हो गया हो। जो लोग इन दोनों को बीच में अटके रहते हैं वे दुखी हो जाते हैं। जो व्यर्थ में ही अपने आप को दुखी करता है वह अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। जो दूसरों के सुख और धन को देखकर जलन की भावना नहीं रखते हैं, विद्वानों का आदर करते हैं, धर्म के उपदेश को किसी भी स्थान से सुनते हैं, जो अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं, आलस्य नहीं करते हैं,
अपना सारा काम समय पर करते हैं, ऐसे मनुष्य सुख के भागी बनते हैं। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप सौ को हराए, एक चुप सौ को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है, जहां पाप का बल ज्यादा हो रहा हो, जहां छल कपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हों। परंतु ऐसा बचाव देर सबेर एक मोटे संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर मोटे टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना खराब सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा मोटा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है, जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती, उसके समक्ष हम कमजोर हो जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं, जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए, इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही आने वाली सोच के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। चुप रहना समझदारी है, पर मौन रहकर अन्याय सहना अपराध है। किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, यह हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करता है। सोचे समझे बिना बोलेंगे तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज्यादा बेहतर रहता है। मौन रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दे तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। अज्ञान की सबसे मोटी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताजा रखता है। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब जवाब ना देना है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। मौन निद्रा के सदृश है, यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझे तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। कब और कहां मौन रहना है? अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अगर तुम अच्छे, मैं अच्छा, तो यहां बुरा कौन है? दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है।
मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों गया। मैंने लंबे समय से माना है कि चुप्पी नुकसान का उपाय है। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें सिखाता है कि मौन लोगों को सबसे ज्यादा डर डर है, सत्य दुख देता है लेकिन मौन मार देता है। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है। यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का आभूषण है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वह लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। विधाता की अदालत में वकालत बहुत ही न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। कभी मौन रहकर देखो, इससे भी चमत्कार होता है सही और जरूरत भर जो बोलते हैं। जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसीलिए यहां वहां से प्राप्त आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वह व्यक्ति जो कर रहा है आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई, कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है उसे भी इस बात का पता चल जाते तो आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक बनाए तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करें तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं। जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को खराब होने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से दे देते हैं तो परिणाम काफी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब क्रोध शांत हो जाता है तो वह अपनी गलती पर पछताता है और इस बात की भी संभावना ज्यादा हो जाती है कि वो आगे आकर आपसे माफी मांगे। अपनी गलती के लिए अगर वह माफी नहीं मांगता है तो वह अंदर से दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं। गुस्से में चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगे तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है। वह चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम उनकी बात सुनते हैं उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं तो वे हमें केवल अपनी बात बताना चाहते हैं। वे हमें से किसी भी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वे पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं।
जो हम उन्हें देने जा रहे हैं, मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना है। जब हम बिना ध्यान दिए लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, बिना किसी सलाह के, तब उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार आपको अपनी समस्या बताए, तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुने और जब तक वह आपसे ना मांगे, उसे किसी प्रकार की सलाह ना दे। जब आप कम बोलते हैं, तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा, तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, दुख, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं, तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं, तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे मोटे काम को पूरे ध्यान से करते हैं, तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं, उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से मिल पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों, बल्कि जीवन के बाद अपनी गति का भी पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हित नहीं होता। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म के फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है।
उसकी स्थिति संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं है, और इसलिए वह दुखी नहीं होता। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं और अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में नहीं उलझता, इसलिए वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार का कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे मोटा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर भी या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल रहती है। सभी सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं होता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थिर रहता है, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है। वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर चलकर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण में लिप्त हो जाते हैं। इसके फल स्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्म का फल भोगने के लिए सूकर कुकर आदि नीच योनियों में जन्म मिलता है या घोर नरक में भयानक यातनाएं भोगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अड़िग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाती है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश और धन की पुण्य स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूं
और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। मनुष्य मेरी जिस भी रूप में पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र इत्यादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उस कामना को पूर्ण करता हूं, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास हुआ है। इसलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल मिलता हुआ नहीं दिखता है, और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य कार्य करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष ना किसी से जलता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्म योगी पुरुष सन्यासी के समान है, और वह पुरुष सुखपूर्वक सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूं। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही परिणाम भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहां भी रहता है, वह परमात्मा के मार्ग में ही आगे जाता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाती। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मैं भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल इत्यादि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प मैं सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझमें है और मैं उनमें हूं। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री वैश्य शूद्र भूत पिशाच चांडाल कोई भी हो, वह मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होता है। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना होगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से मिलाए रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे मोटा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर चिंता और दुखों से आजाद रहता है।
मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता को प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा, इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए। ईश्वर के साथ होते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की सही राह का और संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन दुख से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते हैं, तो मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, जो सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है। भगवान कहते हैं, स्वार्थ शीशे पर फैली धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता है। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। ईश्वर हमेशा उन मनुष्यों का साथ देता है जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वही इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है, इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे उससे बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद् गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दे और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे के काम को करें, क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरों का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य जो अपने हृदय से दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वह कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो उसमें अपना समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कभी कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य मुझ पर मन लगाते हैं मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको वह सब कुछ प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त आ जाए कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना ही होगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इससे दुख और मिलेगा। जीवन में आगे जाने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी भी बनना हो, तो इससे पीछे ना हटे कहने का सीधा मतलब यह है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने कर्म को पूरा करें। जीवन में मित्रों की भूमिका बहुत अहम होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही मित्र बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ रहे। जीवन में हार जीत मिलती ही रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे जाए। हारकर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए
एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कर्मों के खिलाफ युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिल पाती। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए उसे फिर से शुद्ध श्रीमंत के घर में जन्म देते हैं। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। मैं ही संपूर्ण संसार का महाकण हूं। जैसे मोती सूत के धागे में माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत, रज और तम, इन तीन गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं कर पाते। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे चार प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। पहला है अर्थ भक्त, अर्थात दुख से निवृत्ति चाहने वाले भक्त। दूसरा है धन संपदा चाहने वाले भक्त। जिज्ञासु भक्त, अर्थात केवल मुझे जानने की इच्छा रखने वाले भक्त। और चौथा है ज्ञानी भक्त, अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त। आइए इनको समझ। पहला भक्त वह है जो प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारते हैं, कष्ट का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी से नहीं। वे वो भक्त कहलाते हैं। भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। चीरहरण के समय जब द्रौपदी भीष्म पितामह और पांचों पांडवों पर भरोसा करती रही, तब तक वह रोती बिलखती और कष्ट पाती रही। परंतु जब सब सहारे छोड़कर अनन्य भाव से प्रभु को पुकारा, तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक दूसरे हाथियों और हथियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह कई वर्षों तक ग्राह से डरता रहा और दुख पाता रहा। सब सहारे छूटने के बाद जब उसने ओम नमो भगवते कहकर हरि को पुकारा, भगवान ने तुरंत आकर ग्राह का मुंह नोच दिया और गजेंद्र का उद्धार किया। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत सही लगता है, कारण कि जब उस पर संकट आया तब उसने भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान से निवेदन किया। जिज्ञासु भक्त वह है जिसमें भगवान को जानने और भगवत भक्ति की जोरदार इच्छा हो जाती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता में उच्च कोटि के भगवत प्रेमी को ज्ञानी भक्त माना गया है। उनके मन में कभी भी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान से प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का त्याग कर प्रियतम भगवान के सुख को ही अपना सुख माना था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रह कहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन में अच्छा कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, जबकि जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब जान लीजिए। यह जवाब वह है जो भागवत कथा में लिखा है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं देख पाता है। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए।
इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वह जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती देती है। अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगरी में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था, दान धर्म करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल कर रह गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से ही वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान तुम्हें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह अच्छे कर्म कर रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार हृदय से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार का है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है, और हर कर्म परमात्मा के लिए वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे ज्यादा मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे ज्यादा मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जीवन की सबसे महंगी चीज है। आपका वर्तमान जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम हासिल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूत की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं, ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कान्हा कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल मैं जरूर उजागर करूंगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र रास्ता है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं हूं। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।